नमस्कार दृष्टि आई के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से प्रश्न था तिरपन में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी का आयोजन किया जाएगा? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर गोवा इसका सही जवाब ऑप्शन डी गोवा हाल ही में संचालन समिति द्वारा तिरपन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी आई एफ एफ आई के विभिन्न घटकों पर विचार विमर्श किया तिरपनवे आई का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में किया जाना है इसलिए विकल्प डी सही है इसका आयोजन फिल्म समारोह निदेशालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत और गोवा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा इसका मकसद दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और सिनेमा की उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी गोवा आज के सेशन का पहला प्रश्न है राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया जाता है 9 जुलाई 10 जुलाई 11 जुलाई या फिर 12 जुलाई इसका सही जवाब ऑप्शन बी 10 जुलाई बीती 10 जुलाई को राष्ट्रीय की विकास बोर्ड यानी एन द्वारा हाइब्रिड मोड में राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया गया राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस हर साल 10 जुलाई को पूरे देश में मनाया जाता है। इसलिए विकल्प भी सही है यह दिवस प्रोफेसर डॉक्टर हीरा चौधरी और उनके सहयोगी डॉक्टर अली कोन्ही के सम्मान में मनाया जाता है उन्होंने 10 जुलाई 1957 को ओडिशा के अंगुल में मेजर कॉप्स एक प्रकार की मछली के सफल प्रजनन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 10 जुलाई अगला प्रश्न है डिजिटल नोमैड वीजा निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है मलेशिया वियतनाम लाओस या फिर इंडोनेशिया इसका सही जवाब ऑप्शन डी इंडोनेशिया हाल ही में कोविड 19 के आर्थिक प्रभावों के मद्देनजर इंडोनेशिया ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नो वीजा की घोषणा की है इसलिए विकल्प डी सही है यह डिजिटल नो वीजा रिमोट वर्कर्स को कर मुक्त यानी टैक्स फ्री रहने की अनुमति देगा डिजिटल नो ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों की यात्रा करते हुए रिमोट वर्क करते हैं और अपनी अर्जित आय को उस देश में खर्च करते हैं जहां वे यात्रा कर रहे होते हैं इटली बारबाडोस और एंटीगुआ और बारबुडा कुछ अन्य देश हैं जो डिजिटल नोमैड वीजा प्रदान करते हैं तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी इंडोनेशिया अगला प्रश्न है सी गार्जियंस चीन और किस देश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है रूस उत्तर कोरिया ईरान या फिर पाकिस्तान इसका सही जवाब ऑप्शन डी पाकिस्तान हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच शंघाई तट पर चार दिवसीय नौसैनिक अभ्यास सी गार्जियंस टू शुरू हुआ इसलिए विकल्प डी सही है यह इस अभ्यास का दूसरा संस्करण है इस अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2020 में कराची से दूर उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी पाकिस्तान सीटाग्लिप्टिन दवा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार में किया जाता है मधुमेह ट्यूबरकुलोसिस, कोविड नाइन्टीन या फिर कैंसर इसका सही जवाब ऑप्शन ए मधुमेह हाल ही में मधुमेह की दवा सीटाग्लिप्टिन का पेटेंट खत्म होने के बाद कई भारतीय दवा कंपनियां अब इस दवा के जेनरिक संस्करणों को लॉन्च करने की योजना बना रही है इससे इस दवा के दाम मौजूदा कीमतों की तुलना में एक तिहाई रह जाने की संभावना है सिटाग्लिप्टिन ब्लड शुगर को कम करने वाली दवा है यह चयापचय प्रणाली को प्रभावित करती है इससे अग्नाशय को इंसुलिन स्राव को बढ़ाने और रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए मधुमेह अगला प्रश्न है बादल फटने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह अत्यधिक मात्रा में वर्षा को संदर्भित करता है जो बहुत लंबी अवधि के लिए होती है दो आई द्वारा इसे 100 सेंटीमीटर प्रति घंटे से अधिक अप्रत्याशित वर्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो यानी दोनों कथन गलत हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार अमरनाथ में हाल ही में आई अचानक आई बाढ़ कम अवधि की और तीव्र वर्षा का परिणाम हो सकती है ना कि बादल फटने का। बादल फटने का अर्थ अचानक आए तूफान और भीषण गर्जना के साथ तीव्र गति से होने वाली वर्षा से है अतः कथन एक गलत है आईएमडी की परिभाषा के मुताबिक किसी छोटे इलाके में एक घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा भारी वर्षा हो जाए तो उस घटना को बादल फटना कहते हैं अतः कथन दो भी गलत है कम अवधि में होने वाली भारी वर्षा के सभी उदाहरण बादल फटना नहीं है यदि वे उपयुक्त मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो अगला प्रश्न है पॉलीलैक्टिक एसिड यानी पीएलए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह कच्चे तेल से बने पॉलीमर का एक टिकाऊ विकल्प है दो यह प्राकृतिक वातावरण में में आसानी से से हो सकता है। कथनों केवल केवल दो ना, तो ना ही दो इसका सही जवाब ऑप्शन ए केवल एक हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि पॉलीमर में शुगर यूनिट्स को मिलाने से पराबैंगनी विकिरण यूवी के संपर्क में आने पर उनकी डिग्रेडेबिलिटी बढ़ जाती है प्लास्टिक कचरे के विषय में सार्वजनिक चिंता ने पॉलीलैक्टिक एसिड यानी पी व्यापक उपयोग को बढ़ावा दिया है यह कच्चे तेल से बने पॉलीमर का एक नवीकरणीय एवं टिकाऊ विकल्प है अतः कथन एक सही है पी को कभी कभी बायोडिग्रेडेबल पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है हालांकि यह केवल उच्च तापमान और आर्द्रता के साथ औद्योगिक कंपोस्टिंग स्थितियों में ही घुल पाता है यह प्राकृतिक वातावरण जैसे मिट्टी या समुद्र में आसानी से अब घटित नहीं होता है अतः कथन दो गलत है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए केवल एक अगला प्रश्न है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक मंच ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या फिर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसका सही जवाब ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 जारी किया गया इसलिए विकल्प ए सही है इसके मुताबिक 2023 के दौरान भारत के दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन से आगे निकलने का अनुमान है इसमें 15 नवंबर 2022 तक वैश्विक आबादी के 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अगला प्रश्न है विश्व के चार शीर्ष उर्वरक निर्यातक देशों का क्रम है रूस चीन अमेरिका कनाडा चीन रूस यूएसए मोरक्को रूस यूएसए चीन कनाडा या फिर रूस चीन कनाडा मोरक्को इसका सही जवाब ऑप्शन डी रूस चीन कनाडा मोरक्को हाल ही में मोरक्को ने 2026 तक अतिरिक्त 8.2 मिलियन टन फास्फोरस उर्वरक का उत्पादन करने की योजना बनाई है यह क्रमशः रूस चीन और कनाडा के बाद दुनिया के शीर्ष चार उर्वरक निर्यातक देशों में से एक है अतः शीर्ष चार उर्वरक निर्यातक देशों का क्रम है रूस चीन कनाडा मोरक्को अतः विकल्प डी सही है उर्वरक तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है नाइट्रोजन उर्वरक फॉस्फोरस उर्वरक और पोटेशियम उर्वरक तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी रूस चीन कनाडा अगला प्रश्न है स्टीफन क्विंटेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है प्रशांत महासागर में एक फ्रांसीसी द्वीप अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर श्रीलंका में एक बंदरगाह शहर या फिर एक आकाश गंगा समूह ऐसा सही जवाब ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में एक फ्रांसीसी द्वीप नासा जल्द ही अपने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहली बार कलरफुल तस्वीरें यानी फुल कलर इमेजेस जारी करेगा इसमें पृथ्वी से 290 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्टीफन स्विंटेड नामक आकाशगंगा समूह की तस्वीरें भी शामिल होंगी इसलिए विकल्प डी सही है इस आकाशगंगा समूह को पहली बार अठारह में खोजा गया था यह तारा तारामंडल यानी पेगासस में स्थित है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में एक फ्रांसीसी द्वीप अंतिम प्रश्न है फायर फाइटिंग एयर फ्लिट असिस्टेंस प्रोग्राम किस समूह से संबंधित है नाटो आसियान यूरोपियन यूनियन या फिर फाइव आइज अलायंस। इसका सही जवाब ऑप्शन सी यूरोपीय यूनियन हाल ही में पुर्तगाल एक इलाके के वन क्षेत्र में भीषण आग देखी गई इसके चलते यूरोपीय संघ ने फायर फाइटिंग एयर असिस्टेंस प्रोग्राम यानी सिस्टम को शुरू किया है इसे सदस्य देशों को पुर्तगाल की मदद के लिए संसाधनों को साझा करने की अनुमति देने के लिए शुरू किया गया है अतः विकल्प सी सही है यूरोपीय आयोग द्वारा यूरोपीय संघ के आपदा जोखिम प्रबंधन के घटकों को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए रेस्क्यू सिस्टम को बनाया गया है इसका उद्देश्य नागरिकों को आपदाओं से बचाना और जोखिमों का प्रबंधन करना है रेस्क्यू संसाधनों का एक नया यूरोपीय रिजर्व स्थापित करता है इसमें अग्निशमन विमानों और हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा चिकित्सा निकासी विमानों के साथ साथ चिकित्सा उपकरण और अस्पताल आदि शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी यूरोपीय यूनियन आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा जयपुर गांधीनगर लखनऊ या फिर नई दिल्ली इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड